आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। परसों डीआरडीओ की तरफ से एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का टेस्ट किया गया था, जिसको लेकर कल उनकी तरफ से कुछ डिटेल्स शेयर की गई थी। हालांकि इस प्रेस रिलीज से पहले ही हम वीडियो में सारी डिटेल्स आपको दे चुके थे, लेकिन फोटोग्राफ और वीडियोस के माध्यम से कुछ और इन्फॉर्मेशन बाहर निकली है और उसके बारे में बात करना जरूरी है। इस वीडियो के दौरान इस मिसाइल सिस्टम की डिजाइन की हम लोग एक टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये डिजाइन ऐसी क्यों है, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और साथ ही समझने की कोशिश करेंगे प्रोजेक्ट ध्वनि को। आमतौर पर हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स एक सिंगल टर्म यूज की जाती है, लेकिन डिजाइन के बेसिस पर आप इनको कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। मेजर चार तरीके के हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। पहला टाइप है कोनिकल बॉडी, दूसरा है विंग्ड बॉडी, तीसरा है डेल्टा विंग बॉडी और चौथा है ब्लेंडेड बॉडी। इन चारों डिजाइन के अपने अलग फायदे हैं और कुछ नुकसान भी। आइए समझते हैं इन चारों डिजाइन्स को एक एक करके, लेकिन उससे पहले दो टर्म्स को समझ लेते हैं। एक है लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो, जो बेसिकली एक डिजाइन की एरोडायनेमिक एफिशिएंसी बताता है, और दूसरा पैरामीटर है कंट्रोलेबिलिटी। अगर आप किसी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को कंट्रोल करके ग्लाइड करना चाहते हैं तो आपके व्हीकल की कंट्रोलेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। भारत के केस में हम लोग इसको एंटी शिप मिसाइल के तौर पर यूज करना चाहते हैं, इस वजह से कंट्रोलेबिलिटी भारत के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाती है। कॉनिकल बॉडी टाइप हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के साथ में आपका लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो 2 तक जाता है, जो प्रैक्टिकली कम है, लेकिन ऐसे व्हीकल की कंट्रोलेबिलिटी काफी शानदार रहती है। इसके अलावा इस तरीके की डिजाइन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं होती है और इसी वजह से इनको बनाना मुश्किल भी नहीं। दूसरे तरीके के व्हीकल्स जिनको विंग्ड बॉडी कहा जाता है, ये एरोडायनेमिकली बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते हैं और इनका लिफ्ट टू ड्रैग रेशियो 4 के ऊपर होता है। प्रैक्टिकली आपने जहां पर भी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स देखे होंगे, एटलीस्ट फोटोग्राफ्स में, वहां पर इसी तरीके की फोटोग्राफ्स का प्रयोग किया जाता है और बाय डेफिनेशन ये एक्चुअल हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है। पूरे वर्ल्ड में इस समय जितने भी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स बनाए जा रहे हैं वो बेसिकली इसी डिजाइन का प्रयोग करते हुए बनाए जा रहे हैं, चाहे वो रशियन एवेंगार्ड हो, अमेरिकन सिस्टम हो या चाइनीज सिस्टम। ज्यादा बेहतर एरोडायनेमिक एफिशिएंसी होने के चलते इनकी स्पीड काफी ज्यादा होती है, लेकिन इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन ऐसी है जहां पर आपको एरोडायनेमिक एफिशिएंसी और बेहतर कंट्रोलेबिलिटी दोनों चाहिए, तो डेल्टा विंग्ड बॉडी का प्रयोग किया जाता है और डीआरडीओ की ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल इसी डिजाइन का प्रयोग करके बनाई गई है। वैसे अगर आप चौथे डिजाइन को देखें, जिसको ब्लेंडेड बॉडी कहा जाता है, वहां पर एरोडायनेमिक एफिशिएंसी भी बेहतर है, साथ ही साथ इसकी कंट्रोलेबिलिटी भी ज्यादा बेहतर है। लेकिन इस तरीके के व्हीकल को बनाने में कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत ज्यादा है और इसी वजह से इस तरीके के व्हीकल को बनाने में कॉस्ट काफी सिग्निफिकेंटली ऊपर जाती है। अब आपको चारों डिजाइन्स के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों पता हैं और उसके हिसाब से अगर आप एक एंटी शिप मिसाइल सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो नेचुरली आप तीसरे डिजाइन को चूज करेंगे। डेल्टा विंग बॉडी के साथ में आपको हाइपरसोनिक स्पीड तो मिलती ही है, लेकिन इस तरीके के व्हीकल में बेहतर कंट्रोलेबिलिटी भी होती है और इसी वजह से यहाँ पर एक एंटी शिप वेपन सिस्टम बन सकता है। वैसे ये लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल सिस्टम का पहला नहीं दूसरा टेस्ट है और इस टेस्ट के दौरान आपने देखा होगा कि ऊपर की तरफ एक डिस्क इसके साथ में जा रही है। कई लोगों की तरफ से क्वेश्चन पूछा गया था कि एग्जैक्टली है क्या। देखिए, जिस कैनिस्टर से इसको लॉन्च किया गया था ये बेसिकली उसी की लिड है और लॉन्च के तुरंत बाद इसको शैटर होना था, लेकिन नेचुरली यहाँ पर मटेरियल बेहतर परफॉर्म कर गया है और इसी वजह से ये मिसाइल के साथ में ऊपर चला गया है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद में ये नेचुरली गिर गया होगा या शैटर हो गया होगा। हालांकि इससे मिसाइल की परफॉर्मेंस के ऊपर किसी भी तरीके का असर नहीं पड़ता है। ओवरऑल ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और अब आप जानते हैं कि डीआरडीओ की इस मिसाइल सिस्टम की डिजाइन ऐसी क्यों है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि डीआरडीओ की तरफ से और भी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल बनाए जा रहे हैं और दूसरी कैटेगरी के ग्लाइड व्हीकल्स बेसिकली दूसरी एप्लीकेशंस के लिए बनाए जाएंगे। होप इस वीडियो के बाद में आपको अपने सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।